الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. روح جانا. चलो चलो चलो. ठीक है, मैं चिप्स बना लूं. करूं यस माशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में. उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे. हम सब भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में है. तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट. चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो फुल बात क्या करें, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें. वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा. और कमेंट बॉक्स में आप अपनी अच्छी अच्छी सजेशंस भी लिख सकते हैं वीडियो रिलेटेड, इंशाल्लाह ताला जरूर अमल करेंगे. तो देखें फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का कहें थैंक यू. तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नयासी नई वीडियो में कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं. आज फिर हम इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर कर रहे हैं. शाम को आता है हमारे घर में फ्रेश बाड़ी से दूध, दूध निकालते हैं और शाम की चाय का पानी रख लेते हैं. ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह तो यहाँ पर शाम के चाय का पानी रख दिया, उधर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया. जब वो बॉयल हो जाएगा तो फिर ये वाला दूध बॉयल करेंगे और इतने में दूध वाले बर्तन जो है धो देते हैं. ठीक है, फिर धोते हैं. बस दूध भी उबल रहा है, साथ में कावा काट रहा है. ठीक है जी जी. देखिए फ्रेंड्स, कावा भी काट गया है और ये दूध उबल गया. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. इसको नीचे रख देते हैं, ठंडा होने पे सिस्टर लगाएंगी इसको फ्रिज में. जी, जब ठंडा हो जाए. और इधर जो है कावा भी काट गया अच्छे से, उसमें डाल देते हैं दूध. माशाल्लाह माशाल्लाह.
अच्छी सी चाय तैयार करते हैं। और देखें आज शाम की चाय के साथ बन रहे चिप्स, चिप्स बनाने के लिए जो है हमने सॉस ले लिया है, यानी कि चिप्स के ऊपर डालने के लिए चिली गार्लिक मायो और ये पुदीने की चटनी भी मिलेंगे लोकल वाली, ठीक है क्योंकि चटनी से भी मजा आता है। ये देखें आलू भी आ गए, पहले ये जो पुराने वाला आलू है ना ये ऊपर ले लेते हैं ताकि ये पहले यूज हो जाए, ठीक है छोटा आलू है चिप्स के लिए, बड़ा आलू बास्केट ही ना चले जाए। रुक जाओ ना, चलो 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 अब आलू को कर लेते हैं तेल, साथ में तेल भी रखेंगे और चिप्स बनाते हैं, साथ में चाय भी देंगे। लो कर अगर वो दूध उबल जाए ना चाय को उधर शिफ्ट करके इधर तेल चढ़ाऊंगा साथ साथ चिप्स फ्राई करते जाए। मैं आलू छील लो ना पीले कर लो कर बस बहुत है ना, पांच किलो तो छील दिए और क्या पीछे का है। ये वाले आलू तोल लेंगे, ठीक है।
ठीक है, मैं चिप्स बना लूं पहले। ठीक है, ये भी कवर अप करके पकाते हैं जब तक क्रिस्प होते हैं। और भी चिप्स काट लेते हैं और इधर हमारी चाय भी विदाउट रेडी हो गई। लो क्लिक तो बाकी के भी मैं इसी तरह सारी चिप्स काट लेते हैं। ठीक है, पापा कुछ कह रहे हैं। फ्रेंड्स, चिप्स को हमने कवर अप किए काफी देर हो गई। देखिए कितने प्यारे लाल हो गए हमारे चिप्स, क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखना सर, अब इनको निकाल लेंगे। सिस्टर, आपके वो वाले बनाने? यस। कॉर्नफ्लोर वाले? यस। ठीक है, तो सिस्टर की फरमाइश है कॉर्नफ्लोर वाले, तो कॉर्नफ्लोर वाले बना देते हैं। कहाँ रखा कॉर्नफ्लोर? वो पड़ा है इसमें, वो तो नहीं है ना कॉर्नफ्लोर। ये सिस्टर स्पेशल कॉर्नफ्लोर वाले, सिस्टर कह रही है मैं कॉर्नफ्लोर वाले खाऊंगी। इसमें अगर आप चाहें ना कॉर्नफ्लोर के साथ सीजनिंग भी डाल सकते हैं, जैसे काली मिर्च, रेड मिर्च वगैरह, नमक, तो ये सीजनिंग भी इसके साथ चमट जाएगी। ठीक है, ठीक। कॉर्नफ्लोर का ये फायदा होता है और क्रिस्पी चिप्स बनती है व्हाइट कलर की। ठीक है, और इसको ना हाथों से ना छटका नहीं जाता क्योंकि ये फिर
इसी तरह झटक झटक के बड़े से बर्तन में इसको लगाया जाता है। सिस्टर स्पेशल चिप्स कॉर्नफ्लावर वाले चिप्स, ये दूसरी तो पता चले जाएंगे। यस इनको कवरअप कर देंगे और बना लेंगे जो मिलती है स्पेशल चटनी इसके साथ, क्या कहते हैं चिप्स, चिप्सों वाला जो चटनी नहीं देता। यस वो चटनी बना लेंगे जो चिप्सों वालों के साथ अक्सर चिप्स खाए तो मजेदार सी एक चटनी मिलती है, वो वाली चटनी बनाऊंगा आज आपसे शेयर करूंगा। आज दही वाली चटनी ही बना रहे, ठीक है? ठीक है। इसके लिए हमने पुदीना ले ली है, ये पुदीना जो है मार्केट का सिस्टर ने इसको धो के साफ कर दिया है ना, साफ करके छांट के रखा है, अब हम धो रही है। ये वाली चटनी जो है आप बना के भी रख सकते हैं क्योंकि ये बनती ही सिरके में है, ठीक है? ठीक है। इसमें डालेंगे पुदीना, वैसे जो मार्केट में मिलती है उसमें सिर्फ पुदीना और हरी मिर्चे और लहसुन डाला जाता है। मैं इसमें टमाटर का एडिशन करूंगा क्योंकि टमाटर का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ जाता है चटनी में। जी ये हो गया, ये गई इसमें लहसुन, ये हरी मिर्चे खूब सारी, ये बनती लहसुन और हरी मिर्चों से, ठीक है? इसमें जाएगा सिरका, सिरका इसमें थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। किस चीज से डाल लें इतनी मुझे चटनी बनानी है, अपना सिरका डालूंगा बस। ये हो गया, इसमें चला जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, सिंपल और मजेदार चटनी ये वाली जो अक्सर हम चिप्स नहीं खाते मार्केट से जी, उसके साथ मिलती है चटनी, ये वो वाली। और चाय भी हमारी रेडी होगी, उसमें चीनी डालते हैं। Yes. और चाय में चीनी डाल देते हैं, आज तो सारी चाय मीठी ले yes. रहे हैं ना। चटनी हमारी मजेदार सी वाली, ये वाली चटनी आप बना के रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल वही चटनी है जो अक्सर आप जो है क्या कहते हैं चिप्स वाले से लेकर खाते हैं, ठीक है? इसमें सीजनिंग डाल देते हैं। नमक डाल दिया था ना आपने? नमक तो नहीं डाला, नहीं मैंने कहा चटनी में नहीं, उसमें चिप्स में जानी डाल। अच्छा अच्छा, चिप्स में सीजनिंग डाल दी, ठीक। चिप्स में नमक डालते हैं,
चिप्स को भी टेस्टी करेंगे आज मार्केट वाली चिप्स में, ठीक है? ठीक है। थोड़ी सी रेड चिली जाएगी, बिल्कुल मार्केट टेस्ट में, और इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। ये पड़ा है हमारे पास चाट मसाला, चाट मसाला ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, पर बहुत कवर हो जाएगा जी। ये क्या है इसमें चाट मसाला थोड़ा सा, ये हो गया। और इसको कर लेंगे मिक्स। नीचे गिर गया, तो देखिए फ्रेंड्स हमारी चिप्स भी रेडी है, चाय भी रेडी है, अब हम सर्व करते जाएंगे साथ साथ। और ये आप ये देखिए, इसमें यूं डिप करके, और ये मेरी सिस्टर प्यारी टेस्ट करेगी। थैंक यू भाई, ये चटनी सही है। चलो चलो बेटा, बहुत अच्छी है भाई चटनी और चिप्स तो बहुत। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड बैच भी रेडी हो रहा है, मैं चाय सर्व करता हूँ साथ में, ताकि सिस्टर जो है साथ साथ चाय और चिप्स जो है गरम गरम सर्व करती है। ठीक है ठीक है, ग्लास भी है देख कर वनी ले देना वाली सब लेनी है ना। चलो अपन लोग जो है चाय वाले हैं, वालदा साहिबा मैं और सिस्टर प्यारी भाई बने हैं ना। यस, और पापा जी नहीं डलेंगे ना, गिर जाएंगे। और पापा जी दूध कह रहे, पापा जी दूध लेंगे। यस, चिप्स ठंडी हो जाएगी फिर बेकार हो जाती है। yes, साथ में मायनीज है और चिली गार्लिक। जी मायनीज और चिली गार्लिक सॉस है, वैसे तो जो चटनी घर की बनी है ना मेरे ख्याल वही है। yes. ये मैं आपको आखिर में प्लेट भी बना के बताऊंगा कि किस तरह से ये चटनी सर्व की जाती है। सिस्टर ने सबको सर्व कर दी है चिप्स। yes. लास्ट वाली मेरी सिस्टर ने भी अपनी प्लेट में डाल दी है और ले दी है, और बहुत मजे के भाई इस चटनी के साथ। yes. बहुत मजे के हैं, टेस्टी बने। yes, बहुत टेस्टी। मैंने थोड़े से अपने लाल किए क्रिस्पी। yes. क्रिस्पी क्रिस्पी। ये लास्ट बैच है ना। yes. ये भी हो गए, देखिए साउंड इसकी कितनी क्रिस्पी है फ्रेंड्स। इसमें सीजनिंग डाल लूंगा, रेड मिर्च थोड़ी सी, रेड मिर्च डाले ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिप्स का, है ना। yes. इसमें डाल देंगे सॉल्ट, और इसमें डाल देंगे चाट मसाला, चाट का मसाला। मेयोनीज भी आपने डालना था, ले केचप और चटनी डालो। ठीक है, देखो क्रिस्पी क्रिस्पी है ना। यस, क्रिस्पी क्रिस्पी। और इस पे चला जाएगा ये चटनी, ये वाली। यस yes. और इस पे चला जाएगा चिली गार्लिक सॉस। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये थी आज की हमारी चाय टाइम में मजेदार सी चिप्स और इसके अलावा चाय, चिप्स चटनी और चाय। ठीक है, अब आप एंजॉय करें। यस।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड, चाय टाइम कंप्लीट हो गया। सबने खाए चाय और चिप्स, आज अच्छे से बने थे फ्रेंच फ्राइज, तो बहुत मजा आया। तो अब हम डिनर की तरफ बढ़े हैं। आज डिनर में हम बना रहे हैं जो चिकन पुलाव। चिकन पुलाव अच्छा सा बनाएंगे, चिकन पुलाव। ये पैन जो है हीट अप किया था, इसके ऊपर हाथ रख दिया जी। तो पैन हमने हीट अप कर लिया। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने ले लिया चिकन। ये तकरीबन 2 चिकन है, फ्रोजन चिकन है हमारे पास। और चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने बेस्ट क्वालिटी का चावल ले लिया। यही चावल हम यूज करते हैं, गार्ड का सुप्रीम बासमती राइस। ये बहुत अच्छा चावल है, रेडी टू कुक होता है। थोड़ा महंगा है बनिस्बत दूसरे चावलों के। ये 350 या 380 रुपए किलो है, ठीक है। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने ले लिया टमाटर। सिस्टर ने यहाँ पर लहसुन छीलकर चॉप किया, अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च चॉप करके रखी है, प्याज चॉप करके रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चावल ले लेते हैं ताकि हमें अंदाजा रहे फिर चीज बनाने का, ठीक है। यस, साथ में चावल ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह, तकरीबन जो हमारे फैमिली मेंबर्स है ना, उनके मुताबिक 1 किलो चावल हमारे लिए काफी रहता है। तो 1 किलो चावल जो है ले लेंगे, बताना जा रोकना हो बस, ठीक है जी। जी ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, राइस ले लिए। yes. अब देखिए ये चावल की तारीफ में क्यों कर रहा था। ये देखिए चावल साफ सुथरा चावल होता है। ये वो जो मार्केट से मिल रहा है खुला चावल, उसमें बहुत सारा गंद होता है। ये जो छुपकलियां या फिर चूहे की बीठे वगैरह भी, मेंगड़े जिसे कहते हैं, वो होती है। तो वो चुनना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। उससे अच्छा हम चावल जो है ये वाला लेते हैं। ये बड़ी मिल का होता है, साफ सुथरा चावल होता है। अब अपनी चावल और चिकन के हिसाब से कुकिंग ऑयल ले लेंगे। वैसे जो पुलाव है ना, आप घी में बनाएं, घी में ज्यादा अच्छा बनता है। और चावल जब भी बना रहे हैं, अगर कोई से भी चावल बना रहे हैं, पुलाव बिरयानी या फिर मसाले वाले चावल भी बना रहे हैं, तो घी या तेल जो है आप ज्यादा रखेंगे। अगर कम रखेंगे ना, तो चावल खराब बनते हैं, ठीक है। सूखे सूखे चावल बनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे खाने। यस, ये देखिए, ये देखिए, हमें इतना घी होता है ना। यस, अब इस घी में हम डाल देंगे चीजें, जैसे कि इसमें जाएगा सबसे पहले ऑनियन, ये प्याज ज्यादा है तो हाफ प्याज चाहिए, ठीक है। यस, ये तीन बड़े प्याज हैं तो 2 प्याज पुलाव में जाएंगे। ये चलेगी। प्याज को कुक कर लेते हैं अच्छे से। और तब तक क्या करते हैं, हम मसाला तैयार कर लेते हैं इसका, सूखा मसाला, ठीक है। ठीक है, पुलाव बनाने के लिए हम कौन कौन सा मसाला ले रहे हैं आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे नमक चावलों और चिकन के हिसाब से, ठीक है। बिस्मिल्लाह, नमक, ये होगी पुलाव में जाएगी हल्दी। पुलाव में हल्दी जरूर डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव का। पुलाव में जाएगी रेड चिली, ये वाली भी जाएगी, और ये मोटी गजरी मिर्च जो है ये पुलाव में हमेशा डाली जाती है, इससे पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये वाली थोड़ी और जाएगी क्योंकि गजरी थोड़ी सी कम थी, है ना। yes. ये चलेगी, ये चला गया पुलाव में सफेद जीरा पिसा हुआ, और पुलाव में चला जाएगा खुश्क धनिया, और इसके अलावा पुलाव में जाएगा कुछ साबुत मसाला, ठीक है। ठीक, ये वाला तेज पत्ता चला जाएगा,
ठीक है, ये क्या तेज पत्ता? यस, तेज पत्ता चला गया। ये दो दो मोटी इलायचियां चली जाएंगी, ये खोल के डालूंगा। और इसके अलावा इसमें जाएगा बेटा, थोड़ा दूर हो जाओ बेटा, सही भी होगा। ये लौंगे जाएंगी, दो तीन लौंगे आपके पास थी भी है? यस, मैं निकाल दूंगी इसमें सारे। ये हमने लौंग डाल दिए, तकरीबन तीन चार लौंग डालेंगे इसमें, ताकि लौंग का टेस्ट जो है ना चावलों में बहुत अच्छा है। ये भी लौंग है, लौंग चलेंगे। अब इसमें दालचीनी डाल देंगे इस तरह से। हम जो है गरम मसाला काफी सारा लाए हुए हैं, आपसे शेयर करेंगे। जब डब्बी में रखेंगे ना, डब्बियों में पीस कर रखना है, तो इसलिए अभी यहाँ थोड़ा सा मसाला काम में है ना। यस, घी तो हमारे पास अंदर पड़ा हुआ है, भरा हुआ पड़ा हुआ है, काफी सारा लाए हैं स्टोर से। यहाँ दालचीनी जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो मैं ये यूज कर लूंगा, ये बड़ा भी है। दालचीनी और लौंग ले लिए, ठीक है? यस, दालचीनी, लौंग और मोटी इलायची है ना? हाँ, मोटी इलायची को खोल कर डाल देंगे। ये हो गया, कुछ धनिया भी डालेंगे, प्याज चेक कर लेते हैं। ये जो मोटी इलायची है इसको हल्का सा खोल लेंगे, डंडा आज पीछे चला गया, ये चला, ये हो गया। अब इसमें जाएगा पुलाव के मसाले में, चिकन पुलाव मसाले में खुश्क धनिया, ये चला गया। इसमें चला जाएगा गरम मसाला, ये है गरम मसाला पाउडर, पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है? ठीक, सारी चीजें चली। ये बन गया हमारा होममेड चिकन पुलाव मसाला। या आप बना के भी इस तरह से ये देखिए रख सकते हैं। अगर आपको ना जल्दी है, झटपट है, तो बना के इस तरह से बर्नी में रख सकते हैं, ठीक है? यस, ये देखो, ये हमारा मसाला, ठीक है? ठीक है, प्याज पे कलर आ गए, हल्का सा कलर आए। बाकी कलर हम लहसुन और इसके साथ डलवा लेंगे, ठीक है? अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के साथ, ठीक है? ठीक, ये इसमें पुलाव में जरूर लहसुन और अदरक जरूर डालें, ठीक है? एक लहसुन चली जाएगी पुलाव में, ये भी। और इसके अलावा हरी मिर्च, साथ ही में हरी मिर्च जितनी आपने डालनी है उसके साथ पे डाल सकते हैं, और थोड़े से स्पाइसी चावल चाहिए। और इसके अलावा इसमें चली जाएगी अदरक, चावलों का हो गया मैयर में
मसाले वगैरह हमने ऑयल वगैरह डाल लिया तो साइड पे कर देते हैं, अदरक डाल देते हैं। कितनी अदरक चाहिए पुलाव में? साथ ही में ये मसाला डाल देंगे ताकि प्याज अपना कलर भी छोड़ दे और ये मसाला भी हम रोस्ट कर लेंगे। ठीक है yes. ये क्या, अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे। ठीक है, उसकी क्या वजह है कि हमें प्याज का कलर निकालना है। ठीक है, चलो थोड़ी देर प्याज को कवर अप किया मसाला डाल के ताकि प्याज अच्छा सा कलर छोड़ दे। ये देखें प्याज ने कितना अच्छा कलर छोड़ा है। ये देखें पुलाव के लिए यही कलर चाहिए होता है, गोल्डन कलर। ठीक है, यही पुलाव पे पुलाव की पहचान ही ये प्याज के कलर की होती है। देखें और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो लहसुन डाला था, अदरक और हरी मिर्च डाली थी और जो ड्राई मसाले डाले थे ना Yes, उनको रोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा रोस्ट करना जरूरी होता है मसाले को क्योंकि उसकी तेजी होती है, एक वो गले में लगती है, उसको रोस्ट कर लेंगे ना तो थोड़ी कम हो जाती है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, उससे ये होता है एक खुशबू सी अच्छी आती है। पर मैंने इसमें दबा के मसाले डाले हुए हैं। यस, हमें डालने की जरूरत नहीं है ना, हमें ही डालेंगे। ये तीन जो टमाटर है ना ये पुलाव में देंगे। ठीक है, और पुलाव में दही जाएगी, दही के बगैर पुलाव नहीं बनता। ठीक है, पुलाव दही से ये होता है ना, चावल सॉफ्ट बनते हैं, छिलके अच्छे बनते हैं। टमाटर को कुक करने देते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो गए ना तो इसमें ये फ्रोजन चिकन डाल देंगे ताकि ये भी खुल जाए ना, तो टमाटर और चिकन दोनों भून लेंगे। ठीक है, ये चला गया पूरा चिकन,
ये पूरा नहीं है, एक पूरा है और एक आधा है मेरे घर में चिकन, yes, yes. डेढ़ चिकन। अब मैं जो है ना चिकन के साथ थोड़ा सा पानी डाल दूंगा ताकि चिकन गल भी जाए हमारा और मेल्ट भी हो जाएगा ना, बर्फ बना रहा। दही आखिर में डालूंगा क्योंकि दही डाल दो ना तो फिर चिकन भुना नहीं जाता, ठीक है। ये हो गया चिकन, अच्छा गला होगा तभी पुलाव अच्छा बनेगा। तो कवर अप करते हैं और अब बेस्ट टाइम है कि चावल में धो के रख देता हूँ। चावल साफ हो रहे हैं ना? यस। तो देखिए फ्रेंड, चिकन को कवर अप किए तकरीबन दो मिनट नहीं, 5 से 10 मिनट हो गए, 10-15 मिनट हो गए। तो देखिए आप चिकन गल गया और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया ना। चिकन को भूनना जरूरी है, चिकन और टमाटर दोनों चीजों का भून गया, गैस तेज आ रही है ना। देखो कितना प्यारा मसाला बना। अब इसमें क्या करेंगे, दही डाल देंगे। ये दही है तकरीबन 1 पाव के जितनी दही होगी। अच्छा जी आई। और दही के साथ थोड़ा सा पानी लगा देंगे, ठीक है। दही में जो है पानी के साथ डाली जाती है क्योंकि दही जो है ना फट जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और दही को पकने देते हैं। दोनों तेज आंच पे दही को पकाएंगे। अब हम डाल देंगे चावल। चावल जब भी डालेंगे जिस पानी में चावल डाला है, क्योंकि उसमें चावलों का स्टार्च और जायका होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहले मिक्स कर लेंगे ताकि अंदाजा रह जाए पानी। बस अब पानी खुश्क होने तक पकाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स पानी खुश्क हो गया 30%, ठीक है। यस। अब हम क्या करेंगे, हम दम बांध लेते हैं। तकरीबन 35 मिनट का दम बांधेगा, ठीक है।
मिलते हैं 35 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड्स, चावल बन गया हमारे रेडी हो गए। यस, मजेदार से वाले पुलाव भी है। ये देखिए जोश हो। यस, बिस्मिल्लाह। यस, माशाल्लाह बन के रेडी हो गया। अब सिस्टर जो है सर्व करती है सबको। मैं यहाँ उतार देता हूँ सिस्टर को। ठीक है, ठीक है भाई। देखिए कितना अच्छा खिला खिला हमारा चावल बना। यस, चलो बेटा सर्व करो। ठीक है।